नमस्ते लाइफ टीज, कैसे आप सब लोग। तो आई हूँ आज मैं एक और नया हॉल लेकर, और ये हॉल होने वाला है मीशो का। और इसमें मैंने मंगाया मीशो से 5 सूट जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ये सारे ही सूट मैंने अंडर 450 मंगवाए हैं, बहुत ज़्यादा यू नो कम्फर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश हैं, और ये सभी यू नो कैजुअल वेयर हैं। आप इसे ऑफिस में पहन के जा सकते हो, कॉलेज में पहन के जा सकते हो, छोटी मोटी कहीं पार्टी में पहन के जा सकते हो, मतलब पार्टी में तो नहीं पहन के जा सकते, घूमने फिरने मॉल वगैरह पहन के जा सकते हो। काफ़ी अच्छे हैं, मुझे पहनने के बाद कंफर्ट वाइज बहुत अच्छे लगे। मैं इतने अच्छे सूट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतने कम प्राइस रेंज में, पर बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे एक्सपीरियंस रहा, मतलब इतने कम प्राइस रेंज को लेकर। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मेरा ये पूरा हॉल होने वाला है, और आई होप आपको भी अच्छा लगने वाला है। और इस हॉल को आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में बात करते जाएंगे कि प्राइस रेंज क्या है, कपड़े का फैब्रिक क्या है। कलर मैंने सबके बहुत पेस्टल मंगाए, बहुत चटक कलर नहीं मंगाए, तो बहुत ज़्यादा यू नो समरी भी लगेंगे वो, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा चटक कलर यू नो बॉडी को थोड़ा सा इरिटेशन देते हैं, ऐसा मुझे तो लगता ही है। और ये बाकी बात हम बात यू नो करते चले जाएंगे, पर उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हॉल, तो चले। तो ये है मेरे हाथ में इस हॉल का फर्स्ट कुर्ता सेट, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बाकी तो मैंने जो सूट्स मंगाए ना वो 2 पीस में, पर ये वाला कुर्ता सेट 3 पीस में विद दुपट्टा, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यू नो इस तरह का इसका कुर्ता है, लेंथ मुझे बहुत अच्छी लगी, वाइट इसका बेस है और फ्लावर बने हुए हैं रेड और ग्रीन कलर के, जो बहुत क्यूट लग रहे हैं। इस तरह का इसमें ना क्रोशे की लेस लगी हुई है आस्तीन पर भी और बॉटम्स में भी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। गला भी इसका वी है, जो मुझे बहुत अच्छा, हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बॉटम बहुत प्यारा है, ऑफ वाइट में है पर बहुत सुंदर लग रहा है। कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका, थोड़ा मलमल टाइप का लग रहा है पर रेयन कॉटन में, जो बहुत क्यूट लग रहा है। बॉटम में इस तरह का पैच वर्क है, और साथ में यहाँ पर भी इन्होंने ना क्रोशिया वाला डिज़ाइन दिया है, जो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अच्छे से। दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा प्यारा और सॉफ्ट है, लेंथ बहुत अच्छी है, चारों तरफ इसमें वही क्रोशिया वाली लेस लगाई हुई है। ओवरऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, लेंथ वगैरह बहुत अच्छी लगी। ए लाइन का कट में ये कुर्ता है, जो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरह का लुक दे रहा है। कपड़ा भी बहुत कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से, कलर भी बहुत इसका पेस्टल है, जो हमेशा अच्छा लगता है। साइज मैंने इसका एस पहना, और ये मैंने 450 रुपीज में मंगाया है, जो मुझे बहुत ज्यादा वर्थ लगा इस प्राइस में इस तरह का सेट। और मीशो से मुझे इस तरह के कुर्ते सेट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जो बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट पे, मैंने क्या मंगाया है, सो लेट्स गो। तो ये रहा नेक्स्ट सेट मेरे हाथ में, जो बहुत ज्यादा सुंदर है। इस तरह का है ना, वाइट और ब्लैक का वर्टिकल स्ट्राइप में डिजाइन है दोनों में ही, पजामे में भी और कुर्ते में भी। कॉटन का ये कपड़ा है, बहुत ज्यादा सुंदर इसका प्रिंट लग रहा है। यू नो जब ऑर्डर किया था फोटो में ये जितना सुंदर लग रहा था हाथ में और सामने से, ये उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आपकी हाइट कम है ना तो ये आपकी हाइट को भी एनहेंस कर देगा अगर। और इसका जो पजामा है ना बहुत ज्यादा थोड़ा लंबा है, अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो आपके लिए एकदम सही है, पर अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो या मुझसे थोड़ी कम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही है, 5'4" या 5'4" से कम। तो क्योंकि मैंने यूजुअली जहाँ बांधती हूँ उससे थोड़ा सा इसको ऊपर बांधा था, तो ये एकदम परफेक्ट हो गया था। आप इसे कटवा कर भी पहन सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह का इसका प्लाजो स्टाइल में है, सॉरी स्ट्रेट कट में प्लाजो है, ढीला सा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। साइज़ मैंने इसका एस पहना और मैंने 334 रुपीज़ में ख़रीदा था। कॉटन का इसका कपड़ा है, जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट पे, हमने मैंने क्या खरीदा है, सो लेट्स गो। सो ये रहा नेक्स्ट सूट सेट मेरे हाथ में, जो बहुत ज्यादा सुंदर है। इस तरह का नायरा कट का ये कुर्ता है, पिंक का, बहुत प्यारा सा पिंक है, फ्लारी है, पूरा प्रिंटेड है आगे पीछे इस तरह में। ये जो अचकन वाला जो डिज़ाइन होता है ना वो वाला, इसमें है ना पैटर्न दिया हुआ है पैच वर्क के साथ, और इस तरह से गोटा लेस लगी हुई है, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सलवार भी इसकी पूरी प्रिंटेड है, तो वो वाइट बेस के साथ है, तो और इसमें भी वही प्रिंट बनी हुई है जो कि है ना कुर्ते में बनी हुई है, थोड़ी फ्लावर टाइप की, तो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेंथ इसकी सही लगी मुझे, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। साइज मैंने इसका एस पहना और ये मैंने 375 रुपीज़ में मंगाया था। कॉटन रेयन का ये मुझे कपड़ा लगा है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से। इसके 3 और शेड्स भी थे, मुझे ये वाला अच्छा लगा गर्मियों को देखते हुए। अगर आपको कोई और शेड भी पसंद आए तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें 3XL तक का साइज़ हो तो आप साइज़ को लेकर बिल्कुल भी यू नो बॉदर नहीं हो सकते कि बहुत बढ़िया, अगर अच्छे से साइज़ बहुत अच्छे से दे रहे हैं तो। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी सही लगा ये कुर्ता प्राइस रेंज के हिसाब से सेट, मतलब। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट पर, वो मैंने क्या ऑर्डर किया है, सो लेट्स गो।
तो ये रहा मेरा नेक्स्ट कुर्ता सेट जो कि बेज कलर में है। इसका बेस है ना पूरा बेज कलर का है, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरह से इसमें ब्लू रेड करके फ्लावर्स बने हुए हैं और सेम ही है ना प्लाजो में है। और आगे इसमें सबसे सुंदर बात है, इसमें बेल्ट है, दोनों साइड इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक बहुत अच्छा है। और इस तरह से प्लाजो है और नीचे भी इस तरह का बॉर्डर में डिजाइन दिया है। मतलब ओवरऑल मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगा, पहनने पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये रेयन का इसका कपड़ा है और ये मैंने 434 रुपीज़ में मंगाया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं एग्जैक्टली प्राइस नीचे मेंशन कर दूंगी। और ना इसका क्यूट चीज़ बताया आपको क्या है, इसकी जो नेक है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मेरे 2-3 सूट मैंने मंगाए जिसका नेक वी है और मुझे वी नेक हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा सेक्सी सा लुक देता है। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप सोच रहे होंगे मैंने साइज़ का एम क्यों मंगाया है, क्योंकि साइज़ एम से ही स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, मैंने क्या मंगाया है, सो लेट्स गो। सो ये रहा है लास्ट कुर्ता सेट इस हॉल का, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कुर्ते का जो वर्क है ना यहाँ पे गोटा के साथ दिया हुआ है, जो बहुत अच्छा है। बटन वगैरह है, बहुत क्यूट लग रहे हैं। फ्लारी है, इसका बेस है ना थोड़ा बेज स्टाइल में, थोड़ा क्रीमिश डार्क में है। इसकी जो सलवार है, इसका सलवार भी मुझे सही लगा। पहले एक बार मुझे लगा था कि थोड़ा सा ख़राब है, फिर जब पहना तो अच्छा लगा। कुछ इस तरह से स्ट्रेट कट है इसका पजामा। कुर्ते की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यू नो बहुत लंबा टाइप का नहीं है, पर अच्छा लग रहा है पहनने पर। कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। साइज़ मैंने इसका एस पहना है, मैंने सिर्फ 299 रुपीज़ में ख़रीदा है। अगर तो मैं इसकी बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे। तो ओवरऑल मुझे तो ये कुर्ता पहनने पे भी बहुत यू नो क्योंकि कॉटन का है तो समर के हिसाब से भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारे सॉल का लास्ट कुर्ता सेट, सो दैट्स इट। तो ये रहा हमारे आज का हॉल मीशो का, जो मैंने कुर्ता सेट के साथ किया। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। 5 सूट ही मैंने मंगवाए थे, ज़्यादा नहीं मंगवाए थे, पर बजट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। कपड़ा सबका अच्छा लगा, डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। तो ओवरऑल मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आई होप आपको भी ये हॉल अच्छा लगे और आपके लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो और स्टाइलिश भी हो जाए। तो ये था मेरा आज का मीशो हॉल। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्प्रेड स्माइल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। टाटा बाय बाय, नमस्ते।